हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता वर्मा और आज हम बनाने वाले हैं घर पर मोजरेला चीज़। वो भी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल बाहर जैसी चीज़। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको पता ही होगा कि बाहर जो मोजरेला चीज़ होता है या फिर जो भी चीज़ होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। आप उसे घर में बहुत ही सस्ते रेट में आराम से इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे पराठे के साथ जैसे भी आपको चीज़ इस्तेमाल करना है आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले चीज़ बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इसके लिए हमें चाहिए एक भगोना और 1 लीटर दूध ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आप इसकी जगह भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उसमें बहुत ही कम चीज़ है जो बनकर तैयार होगी। और हमें एकदम फुल क्रीम दूध चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं अमूल का ले रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला लें ताकि जो इसकी मलाई और जो इकट्ठा हो जाती है ठंडा होने के बाद वो मिक्स हो जाएगी। अब इसको हम एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप एकदम परफेक्ट चीज़ बना पाएँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मार्केट में जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और हम इसे घर पर बहुत ही सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे, और वो भी 5 मिनट में। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो दूध हमने निकाल लिया है, अब इसको हम करेंगे गरम। गैस पे रख दिया है, फ्लेम को फुल कर दें और इसको थोड़ा थोड़ा सा आप चलाते रहें। तो ये सबसे मेन प्रोसेस है, आपको यहाँ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इसे बिल्कुल भी आप छोड़िए मत। यहाँ पे क्या करना है, हमें दूध को बॉयल नहीं करना है, हमें इसे गुनगुना गर्म करना है। गुनगुना गर्म आपको पता ही होगा, जैसे आप हाथ डालेंगे तो आपको हल्का सा गर्म फील होगा, उसमें हाथ जलता नहीं है गुनगुने में, सिर्फ हल्का सा जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ता है नॉर्मल से। तो हमें सिर्फ उतना ही गर्म करना है। अगर आपने इसे बॉयल स्टेज पर ले आया फिर आपने इसे ज़्यादा गर्म कर दिया तो इसका हमारे पास पनीर बनकर रेडी हो जाएगा। हमें पनीर नहीं बनाना है, हमें बनाना है चीज़। तो इस तरीके से आप बीच बीच में उसे चेक करते रहें और एक दूसरी उंगलियों को इस्तेमाल करें, ताकि आप एक ही उंगली से चेक करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आप दूसरे की भी मदद ले सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, कभी इस उंगली से कभी उससे, तो उससे आपको एक परफेक्ट अंदाज़ा आ जाएगा। और थोड़ा इसको चलाते रहें और गैस को फुल ही रखें। दूध अभी ठंडा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक बार और फिर चेक कर लेते हैं। बस सबसे मेन प्रोसेस यही है। तो अभी हमारा दूध है जो एकदम गर्म हो गया है और ऊपर देखिए कुछ लेयर सी भी आ गई है, सिर्फ हमारा गुनगुना दूध गर्म हुआ है। और गैस को हमने कर दिया है बंद, अब इसको हमने नीचे उतार लिया है। अब हम दूध को फाड़ेंगे, उसके लिए आप विनेगर का इस्तेमाल करें। मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ, जो भी विनेगर होता है उसी का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, इसको प्रिजर्व करने में भी, जैसे हम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए जितना भी हम यूज़ कर पाएंगे तो हमारा जो इसमें एक तो स्मेल नहीं होती है और ये आसानी से ज़्यादा दिन तक रुक पाएगा। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के, तो 1 चम्मच और डाल देते हैं। और थोड़ा थोड़ा वेट करें आप, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो हमारा चीज़ है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ड बन के तैयार होगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। और नींबू का, अगर ये विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार इसको धोना पड़ेगा, तो हम इसे ज़्यादा धोएंगे नहीं। तो इसमें हमने डाल दिया है विनेगर, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कुछ इस तरह से लिसलिसा सा एक पेस्ट है जो हमें तैयार मिलेगा। इसमें अगर हम इसे गर्म कर देंगे तो ये दानेदार हो जाएगा और हमारा पनीर बन जाता है। और अभी जो जिस स्टेज पर ये है इससे हमारा चीज़ बन रहा है। तो देखिए 2 मिनट के बाद है जो हमारा चीज़ है जो रेडी हो गया है। देखिए एक रबड़ जैसा एक पेस्ट है जो हमें मिल गया है। आप इसको हम इसमें से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि दूध ज़्यादा गर्म नहीं था। तो इस तरह की छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सारा जो चीज़ है हमें इस वाली छलनी में ट्रांसफ़र कर लेना है और जो इसका एक्सेस पानी है
उसको हम निचोड़ देंगे, या तो आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से चम्मच से भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि चम्मच से इतना ज़्यादा पानी है जो नहीं निकल पाएगा। तो देखिए आ गया ना पूरा चीज़ के टेक्सचर में एकदम स्मूथ, अभी से ही एकदम बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि एकदम बंधा हुआ है, खट्टा है, और जो चीज़ पनीर होता है वो फैल जाता है। और 1 लीटर में इतना चीज़ हमें बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा निचोड़ेंगे तो थोड़ा और ये साइज में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इसको अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए ये वाला। तो अब हम लेते हैं उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे हम, उसको फेंकना नहीं है, इसको हम गरम कर लेते हैं। इतना गरम करेंगे कि जब आप इसमें उंगली डालें तो आपको लगेगा कि हाँ ये गरम हो चुका है, यानी कि गुनगुने से ज़्यादा गरम। इस तरह से डालोगे आप तो गरम लगना चाहिए आपको, इतना गरम होना चाहिए, यानी कि हाथ जले भी नहीं और गरम हो। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक, इससे क्या होगा, ये हम इसे अगर 10 दिन के लिए भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं या फिर जैसे 10 दिन तक हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ना तो कोई स्मेल होगी और ये एकदम ताज़ा बना रहेगा। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो हाथ से इसको एक बार और निचोड़ लेते हैं, पानी को सारा निकाल लेते हैं। तो दूसरा जो मेन प्रोसेस है वो आता है अब, तो इसको भी आप ध्यान से फॉलो करें। तो अब इसमें हमें इसी प्रोसेस को 6 से 7 बार करना है, और 30-30 सेकंड के लिए आप इसको इसमें डिप करके रखें, फिर इसको निकालें। 30 सेकंड के लिए डिप करके रखें, फिर आप इसको निकालें, और हाथ से थोड़ा सा आप इसको खींचते भी रहें, ताकि जो इसमें डालने से क्या होगा, इसमें खिंचाव आएगा और एक रबड़ जैसा और जो तार बनते हैं ना उसमें चीज़ में, वो इसी प्रोसेस से आएंगे आपके। बस इसको ऐसे ऐसे पलटते रहें, तो इस तरीके से आप उसको निचोड़ते रहें। ये देखिए इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से करोगे तो इसमें अभी भी आपको थोड़े तार दिखेंगे, ये देखिए। तो इस प्रोसेस को 6 से 7 बार करना है आपको। और जो ये वाला चीज है आप इसे आधे रेट में, मार्केट के आधे रेट में तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपको अगर मार्केट में 100 का मिलता है तो आप इसे घर में 50 रुपये में तैयार कर लेंगे। दूध 55 रुपये किलो है, तो आपका जो चीज़ है वो 55 रुपीज़ में तैयार हो जाएगा। तो देखिए दिख रहे हैं ना आपको तार, तो इस तरह से खींचना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें एक स्ट्रेच जब ये होगा तो इसमें तार बनते हैं और चीज़ वाले पूरी फॉर्म में चला जाता है। इसी तरीके से चीज़ बनाया जाता है मशीनों से। तो 6 से 7 बार प्रोसेस करने के बाद हम इसे ठंडे पानी में सिर्फ डिप करके रखेंगे, धोएंगे नहीं। और ये नॉर्मल पानी है, यानी कि ठंडा भी नहीं लिया है मैंने, जो नॉर्मल पानी होता है उसी को लिया है। उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप इसमें रखें, फिर इसके बाद आप एक पॉलीथीन ले लें, उसमें हमें इसको रैप करके रखना है 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाएगा और फिर आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए कोई भी आप एक पॉलीथीन ले लीजिए और इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारा पानी है जो निकल गया है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो। वैसे थोड़ा चीज़ ही बना है, आप इसे 2 से 3 बार इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एकदम इसको टाइट, इस तरह से घुमा के, अच्छे से टाइट घुमा के आप इसको रैप करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप चाहे जैसे इसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही टेस्टी चीज़ आपका है जो बनकर तैयार होगा। बस कुछ ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो दूध गर्म करते वक्त आपको ध्यान रखना है गुनगुना होना चाहिए, आप उसमें दूसरे की मदद भी ले सकते हैं, और दूसरा जो डिप करने वाला था वो आपको प्रोसेस पूरा ध्यान से करना है। तो देखिए 2 घंटे के बाद हमारा जो चीज़ है वो एकदम रेडी हो गया है। तो इतना चीज़ आपको मार्केट में 100 रुपीज़ का मिलेगा।
आप इसे पिज़्ज़ा में, गार्लिक ब्रेड में या फिर चीज़ बॉल कुछ भी बनाइए आप, सब में ये एकदम परफेक्ट जाएगा। और आज के बाद आप जो मार्केट से चीज़ नहीं खरीदेंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। देखिए काटने के बाद भी जो एकदम पीसेस हैं वो कितने स्मूथ कटे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करें। तो देखिए कुछ ग्रेट करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ग्रेट होता है और अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो एकदम बाहर जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।